ये है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जालेली देकरा। इस विद्यालय के अंदर ये जो 325 पौधे, अधिकतर नीम और तिल पापड़े, जिसे गांव की भाषा में तिल पापड़े के पौधे कहते हैं, और कुछ गुंदे के पौधे भी यहाँ है। तो ये 325 पौधों को लगाया तो हर एक व्यक्ति सकता है, लेकिन उनको सही ढंग से मेंटेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। पौधों को पनपना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। इस चैलेंज को मैंने स्वीकार किया। आज से ठीक 3 या 4 वर्ष पूर्व मैंने एक छोटा सा प्रयास रोटरी क्लब पद्मनी की अध्यक्ष राजश्री चौधरी के नेतृत्व में, उन्होंने हमें पौधे प्रोवाइड करवाए, उपलब्ध करवाए, और मैंने एक उस प्रयास को बलिभूत देने के लिए एक छोटा सा प्रयास था मेरा। उस प्रयास को मुझे इस रूप में लाने के लिए बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ी, और कई बार तो ऐसा हुआ कि गर्मियों के अंदर पानी की जब समस्या आती थी तो पानी के टैंकर लाकर मैं इस पौधों को पनपा रहा था। और आज हालात ये है कि आज आप देख रहे हो, ये एक नीम का पौधा है, इतना बड़ा है, जो जिसके नीचे अपन करीब 200 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। ये अपने आप में एक अनूठा पौधा, मैंने शायद इतने सारे पौधे देखे हैं, आप सब भी लोग जहाँ कहीं भी जाते हो पौधे देखते होंगे, लेकिन इस प्रकार का एक अनूठा पौधा आपको शायद ही देखने को मिलता है। इस ऋतु में अभी दिसंबर मास में भी इसके फल आए हुए, नीम के निम्बोली आई हुई है, और ये जिसका तना केवल 4.5 फीट का तना है, ये ज़मीन से इतना नीचे है कि आप देख सकते हैं इसकी, ये देख लो ये, और ये पत्ते वगैरह ये डाला, ये केवल 4 फीट का तना आपको अपने आप में एक अनूठा पौधा ही दिखेगा। इस प्रकार के पौधे नहीं मिलते। इसकी खासियत यह है कि इसके पत्ते टहन ये सब नीचे ज़मीन की तरफ आती है, और 60x60 के अंदर इसकी लंबाई है, इसकी वो व्यास है, अपना इसकी बनावट ही एक छतरी की तरह है। तो इस विद्यालय के अंदर गर्मियों के अंदर जब हमें पानी की समस्या आती थी तो कई बार मुझे खुद को भी चक्कर आने लग गए थे। उस स्थिति में भी मैंने पूरा प्रयास किया और हमारे विद्यालय के अंदर पेड़ पौधे लगे। इन पेड़ पौधों को हमारे विद्यालय के समस्त स्टाफ ने मुझे मोटिवेट किया कि सर आप प्रयास करो, पेड़ पौधे लगेंगे, आपका विद्यालय अच्छा दिखेगा। तो आज वर्तमान के अंदर 325 पौधे नीम के, और कुछ तिल पापड़े के पौधे, और कुछ गुंदे के पौधे, ये आज इस हालात के अंदर आप देख रहे हो, ये सब हमने पूरा एक अच्छा सा प्रयास करके इस प्रकार के पौधों का हमने ये विद्यालय की शोभा बढ़ाई है, ये शोभा बढ़ा रहे हैं। और कोरोना के अंदर जब ऑक्सीजन की आवश्यकता थी तो इस प्रकार के पौधों से सब डॉक्टर्स लोगों की भी यही भावना थी कि पेड़ पौधों से ऑक्सीजन आते हैं। हम लोग भी एक शिक्षक की बात करें तो भी कहते हैं भाई पेड़ पौधों से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, और वो ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन प्लांट के रूप में काम कर रहा है। इस विद्यालय के अंदर इतने सारे पौधे हैं, विद्यालय के अंदर बहुत सारी भौतिक सुविधाएं भी उपलब्ध है। एक सरकारी विद्यालय के अंदर इस प्रकार की सुविधा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये जो यहाँ के स्थानीय सरपंच उषा देवी नाइल, जिन्होंने विद्यालय के अंदर एक बहुत ही अच्छी ये सीसी की सड़क बनवाई है, पहले यहाँ पर ये सड़क वगैरह नहीं थी, सड़क बनाकर विद्यालय को एक रूप दिया है अच्छा सा। और इसके साथ ही इस विद्यालय के अंदर ये जो आप देख रहे हैं, ये प्रार्थना सभा स्थल, प्रार्थना स्थल है, जो कि जोधपुर जिले के अंदर एक अनूठा प्रार्थना स्थल है। अभी जिसकी कीमत करीब करीब 7 लाख रुपए के करीब इसकी कीमत है, और ये 32x55 के अंदर, 32x55 के अंदर प्रार्थना स्थल बना है, अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। यहाँ पर हमने एक पिछले वर्ष कार्यक्रम करवाया था पूर्व छात्रों को भी, जिसमें हमने इन्वाइट किया था, और उस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के अंदर हमारे पूर्व छात्र जोधपुर के जोधपुर विश्वविद्यालय का MBM विंग था, उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे प्रोफेसर KR चौधरी, जो कि इसी विद्यालय के छात्र रहे। उन्होंने 1 लाख रुपए देकर विद्यालय के अंदर भौतिक सुविधा उपलब्ध कराई, और 5 लाख रुपए उसी दिन लोगों ने सहयोग राशि देकर विद्यालय के अंदर रंग रोपण फर्नीचर उपलब्ध कराया, और ये इतना अच्छा विद्यालय हो गया। और यहाँ के मैं शिक्षकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनका एक प्रयास, उनका बहुत अच्छा प्रयास, जिसकी वजह से यहाँ गरीब तबके के बच्चे
जब 90% 92% नंबर ला रहे हैं और यहाँ से दूसरे विद्यालय में जाते हैं, वहाँ पर भी उस विद्यालय में सबसे टॉपर करने वाले विद्यार्थी है वो इसी विद्यालय से निकले हुए छात्र है। तो ये अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। और इस प्रकार इस विद्यालय में पढ़ाई, खेलकूद और ये वातावरण, पर्यावरण के दृष्टि से भी इस प्रकार का वातावरण है, ये अपने आप में एक बहुत ही सुंदर विद्यालय है। मैं तो हमेशा यह कहता आया हूँ कि सरकारी विद्यालय के अंदर यदि अच्छी से अच्छी शिक्षा ली जाए तो निश्चित रूप से छात्र आगे बढ़ेंगे।